देखते रहिए UBN0@अशोकनगर से दीपेंद्र रघुवंशी की रिपोर्ट। भारतीय किसान संघ इकाई जिला गुना के ब्रजेश रघुवंशी द्वारा बताया गया कि मुझे बीमा राशि का प्रमाण पत्र दिया गया, लेकिन प्रमाण पत्र में राशि 2,90,845.16 रुपये अंकित है, जबकि मुझे 89,234 रुपये ही मेरे खाते में आए। बाकी की राशि कहाँ गई? बैंक के स्टेटमेंट में सिर्फ इतनी ही राशि मुझे मिली। इस कमी को लेकर किसानों के साथ सरकार कर रही धोखा। तहसील स्तर से जिले व प्रदेश स्तर पर धरना आंदोलन करेंगे। जब हमारे साथ ये हो रहा है, हर किसान के साथ ये हो रहा है, आपका आंदोलन जिला स्तर तक सीमित रहेगा या प्रदेश स्तर पर जाएगा? हमारा आंदोलन जिला स्तर, तहसील स्तर से जिला स्तर तक और जिला स्तर के बाद में हम प्रदेश नेतृत्व से बात कर जी, हम प्रदेश स्तर पर भी जाएगा, क्योंकि किसानों के साथ बहुत ज्यादा विसंगतियां हो रही है जी। हरदा जिले में महसूस ऐसा होता है कि हो सकता है कि कथनी करनी में फर्क है या इनका प्रशासन के ऊपर कोई अंकुश नहीं है। और ये भी देखने के बाद भारतीय किसान संघ जिला इकाई एक जिला मीटिंग करके अभ्यास वर्ग के टाइम समय हम एक योजना बना रहे हैं और राज्य शासन को घेरने के लिए, राज्य शासन के खिलाफ जो किसानों के प्रति आप जितनी भी सुविधाएं बोल रहे हैं, जितनी भी घोषणाएं कर रहे हैं। और आने वाले समय में चुनाव आ रहे हैं, कुछ ही टाइम चुनावों का बचा है, अगर किसान की कुछ राशियां रह गई हैं जैसे फसल बीमा योजना राशि, ठीक है ना, भावांतर योजना के अंतर्गत जो भी राशि, अगर ये पूर्ण रूप से किसान को शासन संतुष्ट नहीं कर पाई तो इस पे आपका भारतीय किसान संघ क्या एक्शन लेगा? भारतीय किसान संघ प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व से बात कर एक बहुत बड़ा धरना आंदोलन करेगा, जिसमें हम सरकार की नाक दबाएंगे, मुंह अपने आप खुल जाएगा जी। पद्मस्त चूर मात्रा चूर स्थिति में घूम रही है, किसान मारा मारा फिर रहा है जी। इस उद्देश्य को लेकर जितने भी भावांतर में चना खरीदे, बहुत किसानों के तो अभी कच्ची पर्ची पर्ची वाले भी वो है, सर्वर डाउन है, आज तक कुछ नहीं हुआ। मध्य प्रदेश सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया था कमिश्नरों के नाम, तो भी अभी तक कुछ नहीं हुआ जी।